हेलो एवरीवन, आज हम यूजीसी नेट जून 2019 का जो कॉमर्स पेपर है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी 1 वीक के लिए, जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम के अंदर। ओके, तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सिलेबस जो है इसके अंदर 10 टॉपिक्स हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे ऐड भी हुए हैं। तो जैसे कि जो हाईलाइटेड हैं, जो लाइट ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, ये आपको दिख रहा है, ये जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो टॉपिक्स हैं। इसके अंदर जो रिसर्च मेथड है, ये पेपर वन के लिए भी पहले पार्ट था लेकिन अब वो पेपर टू में भी ऐड हो गया है। तो सबसे पहले हम पहले यूनिट को उठाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, पहले बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस अलग अलग पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों को मर्ज कर एक ही पेपर बना दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो न्यू सिलेबस आया है उसके अंडर जो जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पुरानी थी, जो 1956 की है, 1980s की है, ये सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हटा दिया गया, इसको इसके अंदर नहीं दिखाया गया। जो नया सिलेबस है उसके अंदर केवल एक ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिखाई गई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। सेकेंड थिंग जो ये चीज़ है कि कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का देखा गया है। और उसके बाद ये देखेंगे कि जो 5 ईयर्स प्लान था उस 2014 में रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया था। नीति आयोग के जो प्लान्स होते हैं वो 5 ईयर के नहीं होते, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला पार्ट है 3 ईयर का प्लान होता है उनका, दूसरा होता है 7 ईयर का प्लान और तीसरा होता है उनका 15 ईयर प्लान। 15 ईयर प्लान को बोलते हैं विज़न, कि बेसिकली हमें कहाँ पहुँचना है। तो 15 ईयर प्लान्स को बोलते हैं विज़न, 7 ईयर प्लान्स को बोलते हैं स्ट्रेटजी, 3 ईयर प्लान्स को बोलते हैं एक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, जो 15 ईयर हमारा प्लान है ये बेसिकली हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, मतलब हम यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। 7 ईयर प्लान की हमारी स्ट्रेटजी बनती है और 3 ईयर जो रीसेंट ईयर्स हैं उसके अंदर उसको अचीव करना है, वो एक्शन में आ जाते हैं हम। IB की थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम कैसे एंटर करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और वहाँ से लेकर ये टर्न की प्रोजेक्ट तक चला जाता है, टर्न की प्रोजेक्ट। इसके अंदर जॉइंट वेंचर भी आ जाते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन भी आ जाते हैं। अच्छा, जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से 20 की, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इसके अंदर। ये देखिए, आप देखिए, अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015-20 की है, इसके अंदर सबसे पहला जो है वो पॉइंट ये है कि हमें इंडिया को मोर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव बनाना है, ट्रेड फैसिलिटेट कराना है और निर्यात बंधु एक स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, निर्यात बंधु के अंदर क्या करना है, मेंटरिंग न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स, काउंसलिंग, ठीक है, जो न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स है उनकी मेंटरिंग करना है, काउंसलिंग करनी है और ट्रेनिंग देना है, सो दैट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाए इंडिया का और हम क्या कर पाए, एक्सपोर्ट कंपिटिटिव बन पाए। इसके बाद FDI पॉलिसी इंडिया की क्या है, FDI पॉलिसी इंडिया की रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आ जाएगा SAARC, NAFTA और क्या क्या आ सकता है, BRICS। तो ये सब रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, यूरोपियन यूनियन इस बार ऐड किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। यूरोपियन यूनियन भी एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट ही है बिटवीन द यूरोपियन कंट्री, इसको भी देख लीजिएगा आप। और ट्रिप्स एंड ट्रिप्स, ये WTO के अंडर आते हैं, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, इसको भी देख लीजिएगा। अगला ट्रेड वॉर, ये रिसेंट में चल रहा है जो US और चाइना का चल रहा है, और जो US चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है उसके इम्प्लीकेशन इंडिया के अंदर क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी एक करंट न्यूज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इसके रिलेटेड ही है, ठीक है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं और इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो हमारा यूनिट आता है वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में सबसे पहले आएगा कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस में डिफरेंस क्या है, चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनरशिप में आता है, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, तो जो पार्टनरशिप में जो उनकी शेयरिंग रेशियो चेंजेस होती है ना, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पहले पेपर्स में भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं इनके।
ब्रेक इवन एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पीवी रेशियो निकालना आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेशियो एनालिसिस से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेशियो की इंप्लीकेशन पूछी जा सकती हैं, ठीक है, कि अगर क्विक रेशियो हमारा 2:1 है तो उसकी उसका क्या मतलब है बताइए, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप। कैश फ्लो और फंड फ्लो में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में देखना है। इंड एस अभी रिसेंटली लाया गया था 2015 के अंदर, तो इसको क्यों लाया गया था, इसने ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो था इंडिया के अंदर उसको रिप्लेस क्यों किया, आखिर क्या लिमिटेशन थी ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, ठीक, तो ये देख लीजिएगा। अकाउंटिंग पार्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो न्यू टॉपिक्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ये ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है लेकिन आप ब्रीफ में देख लीजिएगा कि होते क्या है, ये भी आ सकता है। ऑडिटिंग पे आते हैं, ऑडिट के अंदर टाइप्स ऑफ ऑडिट, इंटरनल एक्सटर्नल, कॉस्ट ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में एक बार रीडिंग कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वाउचिंग क्या होता है, वाउचिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडिटिंग का, जिसके अंदर हम वेरिफिकेशन करते हैं वाउचर्स का विद फिजिकल एसेट्स, ठीक है, तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। अगला है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आ सकता है, देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स से ज़्यादा डिटेल नहीं आता और इतना कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स से, इसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं जो आप 12th से कवर कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की बुक से कवर कर सकते हैं। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं डिमांड सप्लाई के, लॉ ऑफ डिमांड के और इलास्टिसिटी के, ये सब पूछे जाते हैं। इंडिफरेंस कर्व एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी बार पूछी गई हैं पास्ट ईयर पेपर्स में, इसको आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है पेपर के अंदर। इलास्टिसिटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में। मार्केट से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली क्या होती है और ये कब कब किस सिचुएशन में कौन सी अप्लीकेबल होती है, ये देख लीजिएगा। अगला है हमारा बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या आएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थ्योरीज हैं, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, ये सब। अब एक पैकिंग ऑर्डर थ्योरी भी होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा हमें सोर्स सबसे पहले यूज करना है, कौन सा हमारा सबसे चीप सोर्स मिल रहा है, कौन सा हमें इजीली अवेलेबल है और कौन सा हमें सबसे एंड में यूज करना है। तो हमें रिटेन्ड अर्निंग से शुरू करना होता है, क्योंकि रिटेन अर्निंग हमारे पास होती है और इक्विटी में सबसे एंड में जाना होता है, इन बिटवीन आता है डेप्ट, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये सबसे कम कॉस्ट की होती है, ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट की होती है और इक्विटी सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है, क्योंकि इक्विटी के पास सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, एनपीवी आईआरआर ये हटाइए, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसके एडवांटेजेस क्या हैं हर एक के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कौन कौन से सिचुएशन में ये एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, एनपीवी टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा नेट जो प्रॉफिट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। अगला जो हमारा बिजनेस फाइनेंस में ऐड किया गया टॉपिक वो है एक्सचेंज रेट रिजाइम्स। इसके अंदर फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, मैनेज फ्लोट क्या होता है, मैनेज फ्लोट को डर्टी फ्लोट क्यों कहा जाता है, और ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या था, स्मिथसोनियन एग्रीमेंट क्या था, ये सब आ सकता है। ईडीआर जीडीआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रिसेंटली इसी बार के सिलेबस में ऐड किया गया। अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड इस बार ही ऐड किया गया है। अच्छा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में डेप्थ में पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज द बेस फॉर रिसर्च, हेंस ईच एंड एवरी कंसेप्ट नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर। आपके स्टैट्स के कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होने चाहिए अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसीलिए स्टैट्स को आपको इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कहें कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, तो इसलिए तो हमें इजीली पता है, हमने कैलकुलेशन वगैरह हमने सब करी हुई है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पोजिशनल एवरेज क्या होती है, लिमिटेशंस ऑफ मीन क्या होती हैं, तो हमने केवल न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस किया, हमने कभी थ्योरेटिकल इसको पढ़ाई नहीं कि इनकी इंप्लीकेशंस क्या होती हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस किस टेक्निक से क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्यों नई थ्योरी डेवलप की गई, नया मेथड डेवलप किया गया, विच फॉर्म ऑफ एवरेज इज एप्लीकेबल ऑन क्वालिटेटिव डेटा, ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन देखिए, अब क्वालिटेटिव डेटा की बात हुई है तो क्वालिटेटिव पे कौन सा डेटा यूज हो जाएगा, मीडियन या मोड, ठीक है, और पोजिशनल एवरेज क्या होता है, मीडियन। नाउ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बीस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर किस सिचुएशन में बाइनोमियल लगेगा, किस सिचुएशन में पॉइजन लगेगा, ये सब देखना है। मेसोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक कवर क्या होते हैं, स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, ये सब के बारे में रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल कर्व को एसिम्प्टोटिक कर्व क्यों कहा जाता है, अब नॉर्मल कर्व जो होता है वो ऐसा कुछ दिखता है तो उसको एसिम्प्टोटिक क्यों कहा जाता है, ये रिलेटेड पूछा जा सकता है। देखिए, इसका रीजन ये होता है कि एसिम्प्टोटिक का मतलब ये होता है कि जो भी दो लाइनें कभी भी आपस में टच नहीं करते, जैसे कि पैरेलल लाइन होती है ना, लेकिन ये पैरेलल नहीं होती बेसिकली, क्योंकि ये डिक्रीज करता रहता है, लेकिन एकदम इनफाइनाइट तक डिक्रीज करता है लेकिन टच नहीं करता कभी, तो ये कभी भी किसी को टच नहीं करने वाली लाइनों को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। अगला है हमारा डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, टेस्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, तो कौन से सिचुएशन में कौन सा टेस्ट अप्लीकेबल होगा, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, और कौन सा टेस्ट क्वालिटेटिव डेटा पे एप्लीकेबल होता है, क्वालिटेटिव डेटा पे एप्लीकेबल कौन सा टेस्ट होता है, तो इसमें होता है काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे किसके, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड के। अगला है हमारा टॉपिक बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन कर दिया गया इसके अंदर। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के अंदर क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न, बिहेवियर एंड कंटिजेंसी थ्योरीज, डिलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होते हैं कि किसी को हमें काम डिलीगेट किया है और हमने काम डिसेंट्रलाइज कर दिया है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक मैनेजर के अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ जाएगा हमारा एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से हर बार क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होते हैं ये देख सकते हैं आप, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन, जॉब एनालिसिस, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ ना कुछ चेंज करके, और हर बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये काफी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, तो इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। सीएसआर के जो प्रोविजन है 2013 के एक्ट में, कंपनीज एक्ट, इसको देख सकते हैं। अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हैं जैसे कि सिडबी, नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक, आईडीबीआई एक्सेट्रा, तो इनके जो वर्किंग्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ये कब सेटअप हुए थे, ईयर्स भी काफी पूछ ले जाते हैं। बेसल नॉर्म्स एड हुआ इस बार, बेसल नॉर्म्स बेसिकली तीन थे, बेसल वन, बेसल टू एंड बेसल थ्री, तो बीसल थ्री अप्लीकेबल होने वाला है 2020 से, तो इसको देख लीजिएगा क्या चेंजेस करने पड़ेंगे इंडियन बैंक्स को अगर उन्हें बीसल थ्री अडॉप्ट करना है, तो ये देख लेना है आप, देख सकते हैं आप। इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, रेगुलेटर कौन है इसका, मेजर इशू इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, जो मेजर इशूज हैं उससे रिलेटेड आ सकते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड इसके बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं, फोर पीस क्या होते हैं, प्राइसिंग डिसीजन के अंदर क्या क्या आता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, एसटीपी कई बार पूछा गया है, फोर पीज ऑफ मार्केटिंग, प्राइजिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, पेनिट्रेटिंग प्राइजिंग, स्कीमिंग प्राइजिंग, ये सब प्राइजिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। ट्रेंड्स क्या हैं, सोशल मार्केटिंग क्या होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है, तो ये रूरल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब देख सकते हैं आप। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी आप देख सकते हैं। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये पूरा टॉपिक ही ऐड हुआ है, ये पूरा पेपर सब्जेक्ट ही ऐड हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहला जो एक्ट दिया गया था ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसको आप देख चेक कर लीजिएगा एक बार। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसके को ये होना चाहिए कि कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कुछ प्रोविजंस है तो ये आप चेक कर सकते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर बेलमेंट एंड प्लेज आ जाएगा, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, इंडेमनिटी एंड गारंटी आ जाता है, तो ये सब कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कैविएट एम्प्टर, कैविएट वेंटर क्या होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए, देखिए कैविएट एम्प्टर होता है लेट द बायर बी बियर, और कैविएट वेंडर होता है लेट द सेलर बी बेयर, अनपेड सेलर और इसके राइट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका सेल्स ऑफ गुड एक्ट का, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके अंदर टाइप्स क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, जैसे कि चेक होता है इसके अंदर, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, ये सब होते हैं। लीगल प्रोविजंस क्या है हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टीज होनी चाहिए, प्रोमिसरी नोट के अंदर कितनी पार्टीज होनी चाहिए, ये सब रिलेटेड चीज़ें आ जाएगी। कंपनीज एक्ट में क्या आ जाएगा, बोर्ड मीटिंग्स, क्यूरम से रिलेटेड आ सकता है, डायरेक्टर से रिलेटेड आ सकता है, कितने टाइप ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन
क्वेश्चंस आ सकते हैं। एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये इसके अंदर में ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, इसके अंदर बस ये देखने की एलएलपी कैसे डिफरेंट होती है एक पार्टनरशिप फर्म से और एक कंपनी से। अगला हम देखेंगे हम कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट के अंदर क्या आ सकता है कि डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है, मर्जर एक्विजिशन एंड अमलगमेशन, इनकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके बारे में केवल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए, वही सफिशिएंट है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इस एक्ट के अंदर। अगला है आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट के अंदर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके और ये किस किस सिचुएशन में और किस किस पे अप्लीकेबल नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी एक्ट कवर्ड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के अंदर बहुत सारे एक्ट कवर्ड हैं, जैसे कि पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, तो हर एक एक्ट का बेसिकली क्या फंक्शन है, वो किस चीज़ को कवर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉपीराइट जो भी रिटर्न चीज़ें हैं उनको कवर करता है, पेटेंट किसी भी टेक्नोलॉजी वगैरह को अगर हमने डेवलप करी है टेक्नोलॉजी तो उसकी प्रोटेक्शन को देखता है, ठीक है। ट्रेडमार्क हमारा बेसिकली होता है कि लोगो हो गया हमारा बिजनेस का, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो उससे रिलेटेड हर एक चीज़ के क्या क्या उन्होंने क्या क्या कवर किया हर एक एक्ट ने, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ये हम देख लेते हैं। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं आएगा, जैसे कि आईजीएसटी क्या होता है, जब गुड्स पास हो रही हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे तो कौन सा जीएसटी लगेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डिटेल में आएगा नहीं है। अब हम लास्ट यूनिट पे आते हैं जो कि है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग इस बार ही ऐड हुआ है, इसके अंदर आ जाएगा हमारे एचआरए की डिडक्शंस। एचआरए की डिडक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सेक्शन 24A के अंदर आता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। डिडक्शंस रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है एज यूजुअल, 80C के अंदर जो लिमिट्स हैं, 80E के अंदर जो हैं, ठीक है, ये सारे रिलेटेड ये आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। रीसेंट चेंजेस जो बजट के अंदर हुए हैं, जो 2019 के अंदर बजट आया था, सर्टेन कंट्रीब्यूशन फुली एग्जम्प्ट हैं, जैसे कि अगर आप स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको एग्जम्पशन दी जाती है, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, और कुछ में पार्शियली एग्जम्पशन मिलती है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जा सकते हैं। अलाउंसेस और परक्यूजिट्स जो सैलरी हेड के अंदर आता है उसके अंदर क्या लिमिट्स है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन के अंदर क्या लिमिट है, ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर क्या लिमिट है, तो ये सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पे आते हैं, इसके अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी आ सकता है, इसके अंदर होता है POEM, पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, जहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट होता है उसके बेसिस पे भी कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस देखी जाती है, तो वो भी देख सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसके बारे में भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसकी PPT आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।